Hello everyone. Let's start with the next topic, continuing with the chapter. And today's topic is fertilization. Now, before entering into the topic of fertilization, पहले ये देख लेते हैं कि पोलन ट्यूब किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वंस द पॉलिनेशन इज अचीव्ड, वंस द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन हैज बीन लैंडेड ओवर द स्पेसिफिक स्टिग्मा, अब ये पोलन ग्रेन पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस में जाएगा. पोस्ट पॉलिनेशन मतलब जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब होगी और इस जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगी और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. अगर ये जिम्नोस्पर्म्स है तो ये एक ही मेल गैमेट कैरी करता है और अगर ये एंजियोस्पर्म है तो पोलन ट्यूब के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद दो मेल गैमेट्स पाए जाएंगे. और इसीलिए आप लोग सब जानते होंगे कि जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि पोलन ट्यूब किस तरीके से एंटर करने के बाद एम्ब्रियो सैक को अप्रोच करती है. पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को तीन तरीके से अप्रोच कर सकती है. एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. जैसा कि ये आपका ओव्यूल, आप ये डायग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये आपका ओव्यूल. सो दिस इज आवर ओव्यूल. राइट, दिस इज आवर ओव्यूल. ओके, लाइक दिस सपोज. राइट, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं. इस फीमेल गैमेटोफाइट में सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. सो ऊपर वाले तीन जो चलेजा एंड की तरफ है उनको एंटीपोडाल्स कहा जाता है. सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलार सेल कहा जाता है. और नीचे की तरफ तीन सेल होते हैं जिसको एग अपैरेटस कहते हैं और इनमें से दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल होता है. मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू ये समझा रही हूँ कि पोलन ट्यूब किस प्रकार से एम्ब्रियो सैक तक अप्रोच करेगा. तो तीन तरीके हैं बेटा. अगर पोलन ट्यूब डायरेक्टली चलेजा को पियर्स करके एम्ब्रियो सैक को अप्रोच करती है तो इस केस में आप कहेंगे कि ये तरीका कहलाया जाएगा चलेजोगैमी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चलेजोगैमी विच इज नॉट वेरी कॉमन वे ऑफ पोलन ट्यूब टू पियर्स इन टू द ओवरी टू अचीव और टू अप्रोच द एम्ब्रियो सैक. बट दिस इज एनी वेज कॉल्ड एज चलेजोगैमी इफ योर पोलन ट्यूब इज पियर्सिंग थ्रू द चलेजा टू अप्रोच द एम्ब्रियो सैक. एक और तरीका होता है अगर ये पोलन ट्यूब इन टेग्यूमेंट्स के थ्रू इस तरीके से एंटर करने की कोशिश करे और मेल गैमेट को रिलीज करने की कोशिश करे. अगर ये इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू क्रॉस करके फीमेल एम्ब्रियो सैक को अप्रोच करता है तो इस प्रोसेस को हम मीजोगैमी कहते हैं. मीजोगैमी इज अ प्रोसेस वेयर पोलन ट्यूब इज गोइंग टू पियर्स थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल इन ऑर्डर टू अप्रोच द फीमेल एम्ब्रियो सैक. राइट, बट ये भी बहुत कॉमन तरीका नहीं है. सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट तरीका अगर देखा जाए देन दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. पोरोगैमी मींस इफ द पोलन ट्यूब इज पासिंग थ्रू एंड एंटरिंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड. जैसा कि हमेशा होता है प्रोसेस में आपने सुना ही है कि पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करती है टू अप्रोच द फीमेल एम्ब्रियो सैक देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. क्लियर विद दिस? सो तीन तरीके से आप देख सकते हैं. जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब या तो चलेजा को क्रॉस करेगी चलेजोगैमी, या तो इंटेग्यूमेंट्स को क्रॉस करेगी मीजोगैमी, या तो माइक्रोपाइल एंड को क्रॉस करेगी पोरोगैमी. ये प्रोसेस कहलाया जाता है. नाउ वंस द पोलन ट्यूब इज अप्रोच्ड टू द एम्ब्रियो सेल नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब शुरुआत होगी फर्टिलाइजेशन की. मेल गैमेट फीमेल गैमेट को अप्रोच करेगा. फीमेल गैमेट कहाँ पर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के अंदर. मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है? जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब के अंदर. इन दोनों को ही पास में लाना है, इन दोनों का ही फ्यूजन करना है. बिकॉज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स इज द प्रोसेस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं.
कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन दोनों के केस में वेरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म नेचर में पहले आए, तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के केस में सिंगल फर्टिलाइजेशन अचीव होती है। सिंगल फर्टिलाइजेशन का मतलब है दैट देयर इज ओनली अ सिंगल मेल गैमेट एंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड देन इट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, राइट। इसको सबसे पहले स्ट्रैसबर्गर नाम साइंटिस्ट ने इसको मोनोट्रापा में पढ़ने की कोशिश की। मोनोट्रापा नाम के प्लांट में सिंगल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले स्टडी किया गया बाय स्ट्रैसबर्गर। रीजन, बिकॉज देवर कैरिंग ओनली सिंगल मेल गैमीट, देयर इज नो डबल गैमीट्स का प्रोसेस इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्लास टेंथ में आप पढ़ चुके हैं कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट भी फ्यूजन के चलते होती है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म के साथ क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता है, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, राइट। फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाती है एंडोस्पर्म, और इसलिए एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होती, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। आई टेल यू अगेन, बिकॉज देयर इज सिंगल फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, सो व्हाट हैपेंस, एंडोस्पर्म तो वहां पर भी चाहिए, क्योंकि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो जाइगोट को, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म ये एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बिफोर ही बन जाता है। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन आपका एंडोस्पर्म बन चुका है, और इसीलिए ये कोई ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। तो जिम्नोस्पर्म के केस में सिंगल फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन सिंगल क्यों? क्योंकि सिंगल मेल गैमीट है, और ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होकर जायगोट बनेगा। Whereas, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाती है, और वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, जब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स के केस में हमने क्लास टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, प्रोसेस कहलाया जाता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस कहलाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन अकर ट्वाइस, राइट। इस प्रोसेस को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं नभाश्चिन। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई नभाश्चिन इन फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम। फ्रिटिलेरिया में और लीलियम में नभाश्चिन नामक साइंटिस्ट ने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सबसे पहले पढ़ा, जहां पर दो मेल गैमीट्स बनते हैं जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब में। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट माना जाता है मेल गैमीट्स का बनना एंजियोस्पर्म में, क्योंकि पोलन ट्यूब बैठने के बाद थ्री सेल्ड स्टेज में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद थ्री सेल्ड स्टेज बनती है पोलन ग्रेन की। जनरली जब भी पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे बैठता है, आप जानते हैं टू सेल्ड स्टेज कहलाई जाती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में मदद करेगा, और ये जनरेटिव सेल समय रहते जैसे जैसे वो स्टाइल के थ्रू पास हो रहा है और पोलन ट्यूब नीचे नीचे जा रही थी, उस दौरान एक और माइटोटिक डिवीजन होगी और दो मेल गैमीट बनेंगे, और इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में अचीव होती है, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, इसके दो मेजर स्टेप्स हैं, इसके दो मेजर स्टेप्स हो गए। वन स्टेप इज कॉल्ड एज सिनगैमी, वन इज कॉल्ड एज सिनगैमी and the other is called as triple fusion. Double fertilization, which is involving two major processes, one is called as syngamy and one is called as triple fusion.
डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर ट्वाइस इन एंजियोस्पर्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. व्हाई? बिकॉज देर आर टू मेल हैप्लॉइड गैमीट्स एंड बोथ द गैमीट्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. वेयर वन मेल गैमीट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी एंड अनदर मेल गैमीट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन. तो पहले सिनगैमी देख लेते हैं. इसके लिए मैं आपको एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर वापस से बनाकर दिखा रही हूं. दिस इज द एम्ब्रियो सैक. और आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक में, राइट, ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया. और एम्ब्रियो सैक के केस में नीचे की तरफ जो तीन सेल होते हैं इसको एग अपैरेटस कहा जाता है. इसमें से एक इंपॉर्टेंट फीमेल गैमीट है, दैट इज कॉल्ड एज एग सेल, राइट. Now, ये आपके हो गए सिनर्जिक्स. दीज आर योर सिनर्जिक्स. ये सिनर्जिक का न्यूक्लियस है, ये सिनर्जिक का न्यूक्लियस है और ये सिनर्जिक का वैक्यूल है. एक बात आप ध्यान देंगे यहां पर डायग्राम में, ये दोनों सेल्स कहलाए जाएंगे सिनर्जिक्स. दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिक्स विच आर हैप्लॉइड सेल. और इन सिनर्जिक्स में नीचे की तरफ आप कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हैं. इनको कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि गाइड करती है पोलन ट्यूब को टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक. जबकि ये वाला अगर आप सेल देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज योर एग सेल. ये आपका मेन फीमेल गैमेट है बेटा, दिस इज द मेन फीमेल गैमेट, राइट. अब फीमेल गैमेट में देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी टू द सिनर्जिक अरेंजमेंट देखिएगा, सामने की तरफ आगे की तरफ ओव्यूल होगा और पीछे की तरफ न्यूक्लियस होगा. सिनर्जिड में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सिनर्जिड में आगे की तरफ न्यूक्लियस है और पीछे की तरफ ओव्यूल है. लेकिन अगर आप एग सेल में देखेंगे तो सामने की तरफ वैक्यूल खड़ा है और उसने छुपाया हुआ है, डिफेंड किया हुआ है न्यूक्लियस को. क्यों? क्योंकि एग सेल का न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये फीमेल सेल है, ये फीमेल गैमीट है. तो किसी भी तरीके से कोई भी अगर शॉक लगता है या पोलन ट्यूब प्रेशर के साथ अगर एंटर करती है या किसी भी तरीके का कोई भी इंजरी या शॉक होने के चांसेस हैं, तो ये वैक्यूल उसको झेल लेगा, वैक्यूल उसके सामने विदस्टैंड खड़ा रहेगा और एग सेल के न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि एग सेल के न्यूक्लियस का फ्यूजन होने वाला है विद द हैप्लॉइड मेल गैमेट. जबकि सिनर्जिक्स के केस में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस सामने है और वैक्यूल पीछे है, क्योंकि इन सिनर्जिड में से एक कोई तो भी सिनर्जिड का न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, राइट. अभी देखते हैं, चलिए. और बीच में तो आप जानते हैं यहाँ पर पोलर सेल प्रेजेंट है और इधर प्रेजेंट है आपके एंटीपोडाल्स. तो ये तीनों आपके एंटीपोडाल्स हैं, एंटीपोडाल्स. ये भी एन है, मतलब हैप्लॉइड है. और बीच का ये जो आप सेल देख रहे हैं इसको आप सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर सेल कहते हैं. एम्ब्रियो सैक जो कि कंप्लीट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें मात्र पोलर सेल एक डिप्लॉइड सेल है और वो भी आप जानते हैं बिकॉज बाय द टाइम ऑफ मेच्योरिटी दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, राइट. ये फ्यूज होकर बन गए पोलर सेल. तो टोटल अगर मैं बोलूं इस एम्ब्रियो सैक को तो ये क्या कहलाया जाता है, सेवन सेल है लेकिन एट न्यूक्लिएटेड स्टेज है. सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर आपके पास बना, दिस इज कॉल्ड एज योर एम्ब्रियो सैक, या जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं. मैं प्रीवियस वीडियो क्लिप में जहां पर अपन ने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखा, वहां पर हमने ये प्रोसेस पूरा पढ़ चुके हैं, क्लियर. अब देखिए, जब ये पोलन ट्यूब आ रही होगी, जब ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर आ रही होगी, तो क्या होगा कि ये जो सिनर्जिड होगा, ये सिनर्जिड गाइड करेगा पोलन ट्यूब को इन ऑर्डर टू एंटर इन टू द एम्ब्रियो सैक. और ये जो सबसे आगे वाला न्यूक्लियस अगर आप देख सकते हैं, इसको आप ट्यूब न्यूक्लियस कहिएगा. दिस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस. सो दिस ट्यूब न्यूक्लियस इज अंडर गोइंग विद द फ्यूजन विद एनी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सिनर्जिड. चाहे इस सिनर्जिड के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाए, चाहे इससे कर जाए, कोई इशू नहीं है. किसी एक सिनर्जिक के साथ ये ट्यूब न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज कर जाएगा. फ्यूज होते ही क्या होगा, वो वाला सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू डीजेनरेट द सिनर्जिड, द फ्यूजन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस अकर विद द न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड.
और इसके पीछे पीछे स्टिमुलस आएगा सेकेंड सिनर्जेट को भी, और वो भी फ्यूज हो जाए, वो भी डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे ये दोनों डिजेनरेट हो जाएंगे, पीछे प्रेजेंट है दो मेल गैमीट, आप जानते हैं पीछे की तरफ प्रेजेंट है दो हैप्लॉइड मेल गैमीट्स, इनमें से एक हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमीट जो कि आपके एग सेल में बैठा है, और इसी प्रोसेस को आप कहेंगे सिनगैमी। सो व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी इज मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होना ताकि एक डिप्लॉइड सेल तैयार हो जाए जिसको आप जाइगोट कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स, वन इज मेल वन इज फीमेल, टू फॉर्म द फर्स्ट डिप्लॉइड सेल ऑफ न्यू लाइफ, दैट इज जाइगोट। दिस जाइगोट इन फ्यूचर बिकम्स एम्ब्रियो एंड देन इट स्टार्ट्स विद द न्यू लाइफ ऑफ द प्लांट्स, राइट? सो दिस इज द स्टेप कॉल्ड एज सिनगैमी। लेकिन अब हम बात करें अगर दूसरे वाले न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ, तो दूसरे वाला न्यूक्लियस गया अंडर द सेकेंड स्टेप दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ये जो सेकेंड वाला मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा बेटा विद द पोलार सेल। पोलार सेल विच इज द डिप्लॉइड सेल, इस सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा आपका रिमेनिंग मेल गैमीट। सो मेल गैमीट ये फ्यूज कर गया आपका डिप्लॉइड पोलार सेल के साथ, और इसने बना दिया एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो बनाया यही एंडोस्पर्म बनाने में फ्यूचर में मदद करेगा। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की प्लॉइडी अगर आप देखें तो ट्रिप्लॉइडी होगी, ये बनने वाला जो स्ट्रक्चर है ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इसको हम कहेंगे पेन। दिस इज कॉल्ड एज पेन। कई बार कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज अ रिजल्टेंट ऑफ फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, वेयर अ रिमेनिंग मेल गैमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड पोलार सेल टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच विल फर्दर अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, राइट? सो बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर ट्वाइस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? द फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड एज सिनगैमी whose resultant is zygote, and zygote after development will become embryo. The second step is triple fusion whose resultant is PEN, primary endosperm nucleus, which will undergo further maturation to form a nutritive tissue. The complete tissue is going to be triploid called as endosperm. I think this process is very clear to you. Is there any doubt? Now, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा लगता है कि इसको नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट करने, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन का एंजियोस्पर्म की लाइफ में क्या इफेक्ट है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ये रह जाते हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू हैव दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर लाइफ साइकिल, वेयर एज ऑल एंजियोस्पर्म्स हैव सम एडवांटेज ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, कोई भी एंजियोस्पर्म उठा लीजिए, कोई भी एंजियोस्पर्म ले लीजिए, उसका ये इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑलवेज डबल फर्टिलाइजेशन विल बी अचीव। नाउ बिकॉज ड्यूरिंग द पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस दो मेल गैमीट्स बन रहे थे, थ्री सेल्ड स्टेज बन रही थी पोलन ग्रेन की, और जहां पर दोनों मेल गैमीट्स का यूज हो जाता है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, एक भी मेल गैमीट वेस्ट नहीं जाने दिया नेचर ने, दोनों मेल गैमीट का यूटिलाइजेशन हुआ है, एक सिनगैमी में और एक ट्रिपल फ्यूजन में। रीस्टोर्स डिप्लॉइडी ड्यू टू सिनगैमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी नया लाइफ, कोई भी प्लांट की सोमैटिक बॉडी अगर आप देखें तो वो डिप्लॉयड होती है, किसी भी प्लांट की स्पोरोफिटिक प्लांट स्टेज अगर आप देखें तो वो डिप्लॉयड होती है, और इस प्रकार से जैसे ही जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो फ्यूचर में एक न्यू प्लांट की तरह जब जर्मिनेट होगा स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी, तो इट इज हेल्पिंग इट टू रीस्टोर द डिप्लॉयडी इन द प्लांट बॉडी।
Triploid endosperm is genetically more stronger and more superior and more nutritive in nature. Unlike gymnosperm, जहाँ पर haploid endosperm बना था, उसके comparison में ये triploid endosperm ज्यादा nutritive रहेगा, ज्यादा genetically stronger रहेगा. While अगर last point देखें तो angiospermic seeds ये ज्यादा viable होती है और ज्यादा इनके better chances होते हैं for future, in future for survival. Unlike gymnosperm seeds, these angiospermic seeds, because they are having a very very stronger endosperm, which is which is continuously providing the food. Either the food is stored in the form of cotyledons, and seed is going to have more viability. It is going to germinate with more efficiency, and the survival of these seeds are more in comparison to other any plants of plant kingdom. So double fertilization ki ye significance ho gayi. I think this particular video of double fertilization in angiosperm is very clear. तो हम तीन स्टेप में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन टिल पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन दैट वी हैव सीन टुडे, एंड द नेक्स्ट वेरी वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लाइक देकर ये बताएं मुझे कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है दिमाग में या किसी भी चीज पर पॉइंट पर कंफ्यूजन रहता है, प्लीज डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा. आई विल ट्राई एज अर्ली एज पॉसिबल टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट एनी न्यू अपलोड्स कैन बी यू नो नोटिफाइड टू यू. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.